नमस्कार, आज मैं आपको 9 से 10 साल तक के बच्चे का शरारा बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास करीब 1.5 मीटर कपड़ा बच गया है, लेकिन इस कपड़े की अर्ज की लेंथ अच्छी है, तो इसलिए इसमें बन सकता है बच्चे का, इतने बड़े बच्चे का शरारा। तो अब हमने इसे कपड़े को इस तरह से फैला लिया, जिस तरफ अर्ज है ना, हमें उस तरफ से ही निकालनी है इसको। सबसे पहले तो हम इसमें लेंथ ले लेंगे, जैसे ये कान है कपड़े में, इसको अलग निकाल के हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। चाहे तो कटिंग करके रख सकते हैं, चाहे नाप के इंच टेप से तब निकालते हैं, मैं तो ऐसे ही निकाल देती हूँ। तो इसलिए अब हमें लेंथ लेनी है। सबसे पहले मुझे लेंथ है ना 33 तैयार चाहिए, 33 तैयार चाहिए, तो मैंने 35.5 ले लिया है इसमें, क्योंकि आधा इंच करीब मुझे नीचे से दबाने के लिए चाहिए और बाकी मुझे ऊपर से चाहिएगा मोड़ने के लिए बेल्ट में। तो इसलिए 13.5 यहाँ पे ले लिया और 13.5 यहाँ पे ले लिया लास्ट में। अब इसको मैंने अपना इंच टेप ऐसे रख के इसको सीधा कर लिया। ये जो कपड़ा है ना, ये हमारा बच जाएगा, इसको हम कहीं पे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए छोटा बच्चा है तो उसकी कमर कम ही होती है, पर हिप पे से हमें चढ़ाना होता है, इसलिए थोड़ा सा लूज लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 13 इंच पे यहाँ निशान लगा लिया। 13 इंच पे निशान लगाने के बाद पे 2 इंच ऐसे बेल्ट की, ये हमारी ऊपर की नेफा बोल लो या बेल्ट, उसकी मुड़ाई के लिए। अब इसको हमने 1 इंच पे ऐसे आकार दे दिया, त्रिकोण टाइप का, ठीक है। ये हमने कितना रखा था लेंथ यहाँ पे 13 और हमने यहाँ पे भी रख लिया 13 इंच पे, यानी 13 पे हमने यहाँ पे भी रख लिया। सेम इसी तरह से 2 इंच बेल्ट का निशान लेके इसको हमने तिकोना इधर भी बना लिया, ठीक है। अब हमने ये जो तिकोने पे यहाँ पे बनाया, इस वाले निशान को हमने इस तिकोने निशान से यहाँ से मिला दिया। ठीक है गाइस, इसको हमने इससे मिला दिया। अब हम यहाँ से सीधा निशान का लगा सकते हैं। इसको इंच टेप से लगाएं आप सीधा, मैंने तो ऐसे ही कर दिया क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, इसलिए अंदाजे की वजह से सीधा निशान मैंने लगा लिया, इधर से भी और उधर से भी। आप देख सकते हैं ये एकदम से ऐसे तिरछा निशान है, ये हमारी बेल्ट की मुड़ाई होगी, ये भी हमारी बेल्ट की मुड़ाई होगी। अब हम इसकी लेंथ देखते हैं, हमें लेंथ रखनी है 33 तैयार, 33 ये आ रही है हमारी, ये थोड़ा सा है मुड़ाई के लिए नीचे बच रहा है, तो इसलिए हम 13.5 यहाँ पे रखेंगे। लास्ट में इधर आके भी हमने वही रखा। आपको मेरे निशान ना नज़र आ रहे हों वीडियो में, तो आप थोड़ा नाप को देखते हुए ये चीज़ देख लीजिएगा, बट मैं डार्क कर रही हूँ निशान को कि आपको ये समझ में आए। अब हम आसन की लंबाई लेते हैं। बेल्ट वाला निशान छोड़ के ऊपर से उस पे से हमने यहाँ नीचे रखा 10 इंच, 10 पे हमने 1.5 इंच करीब ये रख लिया। बड़े के में मैं 2 रखती हूँ, बच्चे के में 1.5, तो इसके बाद हमने ये इस तरह से कोना बनाया और इसकी आसन की गोलाई कर दी। जिस तरह से इधर रखा है वैसे ही उधर होगा निशान, चाहे तो आप निशान लगा लो चाहे कटिंग कर लो। मैं इसकी अब आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये गाइस मैंने कटिंग कर ली है अब इस शरारे की, आप देख लीजिए। ये आसन की मैंने कटिंग की है और ये वो तिरछी वाली कटिंग है। ये दोनों पार्ट देखिए, ये निकल भी गए हैं ऐसे करके, ये ऐसे जुड़े हुए थे जो मैंने ऐसे करके काटे हैं, और ये मैंने इधर के आसन का निशान लगा लिया था, आपको दिखाया था, ये कट कर दिया और वो उधर का आसन। अब मैंने इसमें से एक पीस जोड़ लिया है। अब मैं आपको ये रख के दिखा देती हूँ, अभी सिला नहीं है पर मैं इसको आपको रख के दिखा देती हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सिर्फ कटिंग बताऊँगी। सबसे पहले हम ये आसन जोड़ लेंगे। जब ये आसन हमारे जुड़ गए, आप देख सकते हो बिल्कुल पजामे जैसी लुक आ रही है ना इसकी, कंप्लीट आपको वीडियो में नज़र आ रही है ना, ऊपर करके
ये देखिए गाइस, अब हमारा ये शरारा कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं इसमें ये आसन जोड़ती हूँ और साइड दोनों तरफ से जोड़ती हूँ। देखो ये मैं जोड़ भी चुकी हूँ, जैसा कि इस तरह से दोनों साइड से साइड जोड़ने के बाद ये आसन जोड़ा जाता है। आसन जोड़ने के बाद आप ये देखिए, मैंने हल्का सा तिरछा काटा था ना कोने टाइप का, वो इसलिए कि जब मैं ये जोड़ूँ तो ये बिल्कुल इस पर ऐसे सेट बैठ जाए। अगर मैंने ये ऐसे कटिंग नहीं की होती तो यह झूल पड़ता। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है जिनसे, बाकी बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप देख सकते हो ये कंप्लीट है, इधर से मुड़ेगा, ये सब बाद में मुड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको अंदाज़ा रख के दिखा रही हूँ कि शरारा किस तरह से बनता है। आप देखिए कंप्लीट शरारा है ये हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।